तू बस घर के नीचे आ जा, मैं तेरे घर के नीचे गाड़ी ला रहा हूँ, चल रहे हैं एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए यार। हाँ पीटर भी आ रहा है, अरे आ जा पीटर फटाफट। आया आया। हाँ ठीक है मैं निकल रहा हूँ। ठीक है ये कांगिया, पर तू कहाँ चला गया, तुझे पता ना जाना है अंदर। साले मत कटे बावले, अंदर क्या कर रिया, तुझे पता ना चलना, लेट करवा रिया और उल्टा। गेट तो तुमने ही बंद करा, मुझे आने कब दिया। हाँ चल अरे यार देखो समझा करो। पापा ने तो रात मेरे हाथ में गड्डी रख दी थी पैसों की, कह रहे दोस्तों का खर्चा भी तू ही करिए, लेकिन यार अगर मैं तुम्हारे साथ चले गया तो वो काम खराब हो जाएगा। अरे पैसों की तो कोई दिक्कत ही ना है यार, पैसों तेरे हम खर्च करेंगे, बस तू तो जंगल का मजा ले लेता यार हमारे साथ चल के। चलो छोड़ो हम किसी और को ले लेंगे। अबे बाहर खड़े हुए क्या कर रहे हो, चलते क्यों ना हो अब। तुम तो कह रिया मैंने आ रिया। वे मैं क्यों मना करता, मैं तो कह रिया बैग लेके आ रिया हूँ, मैं ऊंचाई पे था ना बहुत ऊपर तुमसे, तो इस वजह से तुम्हें आवाज कट के आ रही होगी। बैठो यार जल्दी। की गोली हर ऊट पटंगा, हनी चो चला ले की जेब पे खाली, कदम कदम पे पंगा, हर सिक्के गड्डी गुल कर देंगे, नहीं है कोई चॉइस, सजा देंगे ये तुमको। क्या हुआ गाड़ी क्यों रोक दिया। सब लोग बराबर बराबर पैसे डाल लो एक ही जगह, उसमें से खर्च होता रहेगा सारा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ तो डाल लो तुम दोनों हिस्सा। हम दोनों, तू ना जा रही है क्या हमारे साथ। चल तो रही हूँ। तो फिर तू क्यों ना डालेगा पैसे, तू भी दे। अर्जुन भाई तुमने कहीं ना थी, पैसों की टेंशन मत ले, तू तो बस हमारे साथ बैठ के घूमने चल। अरे अरे मैं क्यों कहता, मैं तो ये कह रहा था कि पैसे लेके चलिए, वो तो ऊंचाई पे था ना तो आवाज कट कट के आ रही होगी। हाँ ऊंचाई तो बहुत थी, आवाज तो कटी होगी, ला पैसे दे दे जल्दी। अबे तो यार पैसों को तो तुम पहले बता देते, अब तो यार घर से बहुत दूर आ गए, मैं पैसे भी रख के नहीं लाया, अब तो तुम्हें मुझे फ्री में ही लेके जाना पड़ेगा। हाँ चल ठीक है तुझे फ्री में लेके जाएंगे, तू चुप जा, मैं कह रही हूँ ना इसे फ्री में लेके जाएंगे। अरे तो मैं ना दूंगा इसका खर्चा, तुम ही दियो। ठीक है मैं दूंगा इसका खर्चा, मेरा भाई है ये। थैंक्स यार अर्जुन भाई। वो ब्लॉग बनाएंगे, लाओ फोन दो। हाँ लो मेरे से बना लो इसका कैमरा। अच्छा आओ गाड़ी में बैठो। ब्लॉग तो बना लो। अरे वो आगे से बनाएंगे, बैठो गाड़ी में। कहाँ चले गए यार बीच रोड में खड़ा करके यार। लेवल है 500 रुपए बच गए फिर भी तेरे। 500 रुपए बच गए मतलब, तेरा मोबाइल भेज दिया ना मैंने 5-500 का, 5-5 हजार डालना है हम सब, तो 500 तो तेरे बच गए ना। अबे साले चूतिया झाटू तू पागल है, कौन है हाथी के भोसड़े, तूने मेरा इतना महंगा मोबाइल बेच दिया, कितने काम का सिम था उसमें 2GB की चिप भी थी। अबे तो साले और कहां से लाता मैं पैसे, मोबाइल बेचना पड़ा तेरा, तू इतना अच्छा थोड़ी है सड़े हुए कि तेरे पैसे मैं दूं अपनी जेब से। और रही बात मोबाइल की, मोबाइल तो ले हम भी अपने यहीं रखेंगे गाड़ी में, हम भी ना लेके जाएंगे, पिकनिक खराब होती है मोबाइलों से, मैंने इस चक्कर में बैठ दिया और पैसों का भी काम हो गया, मोबाइल हम भी गाड़ी में रखेंगे। ला अपना मोबाइल ला, ले पकड़ ले पकड़, मोबाइल वोबाइल का कागज खत्म।
एक सिगरेट दियो जरा। भाई साहब मैं ये कह रही हूँ, ये जो पीछे बगिया है ये तुम्हारी है ना? हाँ हमारी है, क्या करेगा यार? दो अमरूद तोड़ लूँ क्या? तोड़ने का तो दूर, देखने का भी जुर्माना, जब चले जाए ऐसे। अरे यार दो अमरूद तोड़ने से तुम्हारे पेड़ों पे कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। दिक्कत? पूरी दिक्कत आ रही है। नाम भी मत ले लिया अमरूद तोड़ने का, वरना गाँड ऐसी मारूंगा पटापट बोलेगी। ओ अंकल थोड़ा प्यार से बच्चे से, बच्चे ने पूछ लिया यही गलती हो गई, ना पूछता तोड़ लेता तो कुछ ना उखाड़ पाते तुम। आ जा तू, तू इतनी नक्शेबाजी दिखा रिया, तू तोड़ के दिखा दे। अरे आ भाई पिटर गाड़ी चला। गाड़ी रोक यार जरा, इसने गलत पंगा ले लिया। अर्जुन को चुनौती वाले काम करना बहुत पसंद है। आ गया ना, आ गया अमरूद हाथ में। चलो एक मिनट यार, अगर ऐसे चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। गाड़ी पीछे लो, उसे दिखाना भी तो है कि अमरूद तोड़ लिए, तभी आगा मजा। पीछे लो गाड़ी। ओए बहन के बुबले बोलो, गाड़ी बाबा बहन के लोड़े ने गोली मार दी। अरे यार अर्जुन भाई हमारे खालू एडमिट है, तुम चलो मैं आ रही हूं। डॉक्टर साहब जल्दी देखो मेरे गोली लगी है। डॉक्टर साहब आराम से, पहले पूरी बात बताइए, सिर के दर्द की गोली लगी है, टांग के दर्द की या मिक्स है? डॉक्टर साहब मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत खून बह गया डॉक्टर साहब, पट्टी करो। देखिए मुझे लगता है आप गुस्से में हैं। मैं गुस्से में नहीं हूँ डॉक्टर साहब, आप अपना काम क्यों ना कर रहे हैं यार? फिर भी आप थोड़ा सा गुस्से में है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझ समझ छुपाओ कुछ भी। धत तेरी माँ का बोला, तू कह ले रिया चाहे गुस्से में हो या कुछ भी करूँ मैं, तू अपना काम क्यों ना कर रिया? ठीक है मैं गोली निकाल देता हूँ, लेकिन ये तो बताओ गोली लगी कहाँ है? गोली जो है डॉक्टर साहब हमारी गांड में घुस गई, मिल नहीं रही। अबे कवर बिज्जू सुसरी के हाथ पकड़े पड़ा हूँ एक घंटे से, तो हाथ में ही तो लगी होगी। ऐसे तो ये आपका कंधा पकड़े पड़े हैं, क्या कंधे में गोली लगी है? किसने डॉक्टर बनाया यार भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बहू के दूल्हा, मेरे दोस्त हाथ में लगी है, कर दे यार। ओके भाई ओके, हमें भी दिख रहा है हमें क्या करना। आओ इधर को बैठो, चेक कर लेता हूँ। थोड़ा लंबी सांस लो, थोड़ा आराम से, थोड़ा और। ओके देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी हाथों में अभी अभी सूजन आना स्टार्ट हुआ है, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आ गए हो, वरना मर सकते थे। और ये दवाई मैं लिख रहा हूँ आप सही टाइम पर लेते रहना, ठीक हो जाओगे। कह रही है सब बातें छोड़ो, आज नाइट फ्री हो गया? क्यों लेनी थी? क्या हो गया बे? ये नर्स थप्पड़ क्यों मार के गई है? क्या बताऊं यार अर्जुन भाई यार, कालू ने दम तोड़ दिया मेरे हाथों में यार, मैं कुछ ना कर सका इसलिए नाराज होके मार के गई है ये। ओफो बड़ी खुशी की बात। दुखी दुखी? हाँ बड़े दुखी बात है यार, चल यहाँ पे है तो तेरे खालू से मिले ही लेते हैं। नहीं मिलो मत, वो यार बहुत बड़े रंडी वास्ते, उन्हें देख के तुम खाली मूली में गुना में शामिल होगे। आओ नक्शेबाजी दिखानी जरूरी थी, शुक्र मनाओ सही टाइम पे पहुंच गए हॉस्पिटल, वरना एंड बिट जाता आज तुम्हारा। रहने दो यार, एक तो हमारे गोली पड़ गई और ऊपर से तुम एंड में हो यार पूरी। आओ खाने पीने चल रहे हैं कुछ। अब सारे पैसे यही खर्च कर दो खाने पीने में, वहाँ ट्रिप पे ना करोगे? अरे खाने पीने की टेंशन मत लो, तुम तो खाना जितना खाओ खाओ, फिर मुझे बिल दे दियो बस। क्यों बिल का क्या करेगा तू? मैं बिल अपलोड करूंगा मैजिक पिन ऐप पर, ये इंडिया का नंबर वन सेविंग ऐप है, जहाँ पे बिल अपलोड करने पे मिलेंगे हमें पॉइंट्स, एक मैजिक पॉइंट्स इक्वल टू एक रुपया। अच्छा और मजे की बात तो ये है, जैसे ही तू इसमें साइन अप करेगा तो तुझे तुरंत ही 200 पॉइंट फ्री मिलेंगे।
और अगर मेरा रेफर कोड यूज करेगा TRT 100 तो एडिशनल 200 पॉइंट और मिल जाएंगे तुझे, बिना कुछ किए ही 400 पॉइंट हो जाएंगे। 400 पॉइंट मतलब 400 रुपए? हाँ, और इसमें तू मैजिक पॉइंट कलेक्ट करने के बाद रिडीम करके ब्रांड के डिस्काउंट वाउचर भी खरीद सकता है। कौन सी ब्रांड के? कोई भी कैटेगरी चलेगी, फूड, टेक, फार्मेसी, यही असली सेविंग है मेरे भाई। और हाँ, आप में से जो भी मैजिक पिन ऐप के न्यू यूजर है वो हमारा रेफर कोड यूज करें TRT 100 तो आपको मिलेगा फूड डिलीवरी पे 90% ऑफ। तो जल्दी अभी ऑर्डर करो मैकडोनल्ड, CCD, बैरोस की बिरयानी और भी बहुत कुछ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके मैजिक पिन ऐप को साइन अप करो और हमारा रेफरल कोड भी यूज करो, आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। है ना, है मैजिक पिन ऐप शानदार एप्लीकेशन। चलो आओ गाड़ी में, अब खाएंगे खाना होटल पे। अर्जुन भाई, अब कोई फालतू काम मत करना, चुपचाप खाना खा के निकलना है यहाँ से। हाथ में दर्द तो नहीं है अब ज्यादा? वेटर, सर आप यहाँ मत बैठो, आप दूसरी टेबल पे बैठ जाओ। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये विट्ठल भाई की सीट है। अरे होगी विट्ठल चिट्ठल की, अब यहाँ पे अर्जुन बैठा तो ये अर्जुन की सीट है। विट्ठल दादा यहाँ के बदमाश हैं, उनकी यहाँ पर चलती है। बदमाश तो ये तेरे सामने जो बैठा ना अर्जुन, ये भी डबल बदमाश है। बता इसको जरा मेरी बदमाशी के बारे में। क्या बताऊं, तुमने कौन सी बदमाशी कर दी? अरे वही सालम पब्लिक स्कूल में 13 साल के लोंडे पे कितनी फेरी मैंने, बता। हाँ बहुत मारा अर्जुन भाई ने, बदमाशी की लिस्ट में 35वें नंबर पे आते हैं अर्जुन भाई। अरे यार क्यों लफड़े ले रहे हो तुम, बाहर के एरिया में आए, यहाँ किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, खाना खाओ चलो। दब के ना काटी है जिंदगी मैंने आज तक, क्यों दबूंगा मैं किसी से, होगा कोई भी बिट्टल चिट्टल, जाके खाना लगा तू। ठीक है खाना तो मैं लगा रही हूँ, अगर बिट्टल भाई आ मैं तो बता दियो कि बेटन ने पहली कह दी, कभी मेरी गांड फटवा दो। वहाँ पे क्या कर रहे हो? विट्ठल भाई सब की सीट है वो, यहाँ पे आके बैठो। खाना कब का रेडी रखा, आ जाओ। साले फट्टू, वैसे तो बड़ा बोल लिया था, अब बोल के दिखा। बे बावले तमंचा उसके हाथ में देख तो ले, और भैया यहाँ का बदमाश है, मिये की जरूरत पड़ी है लकड़ी लेने की। तू विट्ठल भाई क्या हाल चाल, कौन है तू? अरे अपना गुलाम समझ लो यार विट्ठल भाई, पैर वैर दबा दो बताओ। हर जगह अपना सिक्का चलता है। सर बिल। बिल? अबे भाई विट्ठल भाई के गुलाम है विट्ठल भाई। अरे अपने ही बच्चे हैं, बिल हम देंगे इनका। उनके 1700 रुपए हो भाई। 1700 रुपए? अबे इतना बहुत सारा खाया है बहन के लोड़ों ने। खाया कम है, पैक ज्यादा कराया। चल दे देंगे, लिख ले। और कहो अपने ही बच्चे हैं, चुद गई। अर्जुन भाई तुम्हें और कुत्तों को शर्म नहीं है, कहीं भी आके बैठ जाते हैं, देखो बीच रोड में बैठा। जाओ यार इसकी अभी बैंड बजा के आता हूँ। अबे झाटू यही जगह मिली है बैठने की? पिटी चो शेर है ये। पीटर, पीटर दरवाजा खोल, पीटर दरवाजा खोल, पीटर शेर है, पीटर खोल ले बैठ के भोपड़े, दरवाजा खोल मर जाऊंगा, दरवाजा खोल मादर चोर।
हाथी के कद्दू इधर रोबो पीटी क्यों कर रही है? जब इधर का गेट खुला तो इधर से आ जाता ना। अबे सालो कुत्ता नहीं है वो, शेर है शेर। एक पंजे में ही गाल गंजी भी कर देगा सालो। अबे तो जब वो शेर है तो गाड़ी में क्या करने घुसा? सामान लो और भागो यहाँ से। विठल भाई पीछे शेर है, विठल भाई मुझे बचा लो, विठल भाई पीछे शेर है। शेर झूठ बुलवाऊ भी? अरे झूठ ने बोली यार, यकीन ना हो रही हो तो जाओ जाके देख लो, माँ चुज्जे की खड़े सही। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रही है यार, बहुत डर लग रहा है कि बचा लो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ यार विठल भाई, प्लीज मुझे बचा लो यार। अबे तो शेर है तो विठल के इसमें फलान करेगा, भागो सालो। अबे ओ चूतियो पैदल के शेर से तेज भाग लो, गाड़ी से भागो। इसमें तो पिंचर हो गया यार। तो हैटा माटी क्या कर रहे हो, स्टेपनी निकालो और जोड़ो फटाफट। मैं जोड़ू? अबे मुझे बड़ी तेज के चक्कर आए भाई। चल भाई चल, तू स्टेपनी बदल, उन दोनों को चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गए। चक्कर पक्कर का कोई हिसाब ना पिटल भाई, चूतिया बना रहे हैं बोर्फ लेके, अगर बेहोश ही होगा तो पजामा खोल के गाल मारो इनकी। विठल भाई बस 5 मिनट लूंगा आपके, अभी चेंज कर दूं स्टेपनी। विठल भाई अब पूरा ट्रिप तुम भी हमारे साथ रहोगे और जाकर रूम की बात करो, जाओ ऊपर। ठीक है मैं अपने स्तर से बात करता हूँ। अरे रुको यार, क्यों आगे बढ़ रहे हो तुम, नवाब बनना है ज्यादा, पहले ये 1700 रुपए की मारे पड़े हैं अपनी, खुद करेंगे साले रूम को जुगाड़ अपने आप। चले साम नवाब बनने। बेटी चोट जब से मिला तू ज्यादा ही चलाक बन गया, खुद करके आ चल बात, कुछ पैसे काट दूंगा। अरे बिट्टल भाई खपा क्यों रहो यार, कोई बात थोड़ी है, हम कर आएंगे बात, इसमें क्या है भाई साहब। रूम चाहिए हमें एक। मिल जाएगा रूम, गर्लफ्रेंड है या बीवी है साथ में? नहीं पांच है हम, पांचों लड़के ही हैं। पांचों लड़के? पांचों जुगाड़ हैं क्या? अरे गलत समझ रहे हो यार भाई साहब तुम, ऐसा कुछ नहीं है, हम पास वाला जंगल है थोड़ी सी आए को, वहाँ पे घूमने के लिए आए, रात काटने के लिए रूम चाहिए बस। पास वाले जंगल में घूमने जाओगे? हाँ वहाँ पे घूमने के लिए आए हम, पूरा मन बना के, तुम रूम दो हमें। रूम तो दे देता हूँ आपको, जंगल में अंदर मत घूमना, खतरा है भारी भार घूमना। खतरे वतरे की टेंशन मत लो, वो हम देख लेंगे, हमें मस्ती का हो, चाबी दो तुम। बस के माँ चुज्जगी तेरी, यहाँ बैठे बैठे बोल लिया, तुझे पता है कुछ जंगल के मामले में? अरे ठीक है यार ना जाऊंगा, गाली पाली मत बको यार भाई साहब, लाओ चाबी दो तुम, मैं घूम लूंगा बार बार। हेलो कहाँ हो बिट्टल भाई, पैसे भिजवाओ, कल को क्या क्या कहते तुम? बिट्टल भाई वो होटल वाले की कॉल आ रही है, पैसे मांग रहा है। उससे बोल दे बिट्टल भाई अभी बाहर है, आते ही पैसे तेरे दे देंगे। हाँ भाई बिट्टल भाई अभी बाहर है, आते ही तेरे पैसे घर। हेलो अरे सुनार बोल रही हूँ, जिससे बिट्टल भाई ने अपनी सेटिंग को चैन दिलवाई थी, 3 दिन हो गए चक्कर मारते हुए घर के, अभी तक मिले ना है पैसे। बिट्टल भाई सुनार की कॉल है, सेटिंग को चैन दिलाई तुमने, पैसे मांग रहा है। अबे उससे कह दे बिट्टल भाई अभी मीटिंग में है, आके अपने स्तर से बात कर लेंगे। बे बिट्टल भाई अभी मीटिंग में है, आते ही तेरा पैसा तेरे मुंह पे देके मारेंगे। हेलो कहाँ है बे तेरा बाप ये बिट्टल, मैं पहले ही कह रहा कटिंग कटिंग करवा ले, खत भी बनवाया इसने, बगले भी बनवाई, वो कह रही फोन पे में पैसे डाल दूंगा, अभी तक पैसे नहीं आए। बे यार सैलून वाले की कॉल आई है, बहुत सुना रहा है, पैसे मांग रहा है वो भी। उससे कह दे बिट्टल भाई अभी स्कूल की छुट्टियों में आऊंगे नानी के घर, आते ही उसका पैसा दे देंगे।
अरे हम नानी के घर आए हुए हैं, आके बात हो जाएगी बाद में। तेरी बहन का भोसड़ा क्या नाटक लगा रहा है फोन फोन का? कोई विठल के मेरा लंडे पूरा हाथी के कद्दू उधारी में ही पैदा हुआ कैसे? उधार दिया ना लिए बड़ा कितने लोगों से उधार। तू आज विठल को गाली बकेगा? गाली बकूंगा यही मारूं अभी साले तुझे अभी। अरे छोड़ो यार अर्जुन भाई गुस्सा थूको। ए ये क्या कर रहे हो? अबे भोसड़ी के तू कह रिया गुस्सा थूको, थूक दिया तू इसमें भी नाटक कर रिया। अबे ओ सबसे पहले तू अपना फोन फेंक। और अर्जुन भाई आओ यार, तुम मूड खराब मत करो, चलना आओ। बदमाशी दिखा रहा है, कर्जे में डूबे पड़े। अबे कार बेच के कर्जे ही दे दो जिसका कर्जा है तुम्हारे ऊपर। कार नहीं बेच सकता ना, चोरी की है। और हाँ अब यहाँ पे जब तक भी घूमेंगे मेरी चलेगी, मेरी सुननी पड़ेगी तुम्हें, वरना हट जाओ यहाँ से। जैसा आप कहे। अर्जुन भाई बड़ी तेज बादल है, बहुत तेज बारिश पड़ेगी, पीछे झोपड़ियां वहां रुक जाते हैं। आओ अजी पड़ गई बारिश, ऐसे बादल बहुत देखे हैं मैंने। चल झोपड़ी को। ये क्या चीजें हैं भाई? हाँ यार अर्जुन भाई अजीब अजीब तो है। है क्या ये? अर्जुन भाई मुझे तो डर लग रहा है यार, बताओ तो सही कुछ है क्या ये? अबे भोसड़ी को मुझे क्या पता क्या है ये, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ यहाँ को, मुझे खुद डर लग रहा है, गुड़िया पुड़िया क्या लटक रही है। लेकिन छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, सो फिलहाल सो जाओ। मैंने भी यही देखा। अरे यार सपना है ये, सच थोड़ी है। वैसे देखा तो मैंने भी यही है लेकिन सच नहीं है ना। सपना है तो ये घाव कैसा है? ये तेरे तीन चार कीले एक साथ लग गई। विठल भाई सही कह रहे हैं, आओ बाहर सूरज निकल गया। देखो मेरी बात सुनो, इंजॉय करो, डरो मत बिल्कुल भी, हम आएंगे। पीछे देख अर्जुन, तेरे पीछे भूत है। मैंने कही थी ना तुझसे सपने में कोई गड़बड़ हो रही है। मैंने तो ये मजाक का टाइम है। अबे यार तुम ही ज्यादा डर रहो, तुम्हें ना पता तुम्हारे पीछे हम हैं। अरे अर्जुन भाई फ्री माइंड चिल मारो। चलो फिर भी पीटर तू मेरे आ गया। पीटर हो गया ना गायब? पीटर अबे चिल्ला क्यों रहे हो, मूत मारने गया होगा। अबे चुप, तुझे पता साले मूत ने मारने गया होगा। पीटर
पीटर, पीटर, पीटर भाई। अरे यार तुम तो मजाक मत ही करो, मैंने कर ली यही बहुत है। पीटर मेरे बच्चे कहाँ है तू? पीटर मेरे भाई कहाँ है तू? पीटर क्या हुआ? मैंने कहा था ना जंगल में कुछ ना कुछ है, शाम होने से पहले पहले उस झोपड़ी में चलो और सुबह होते यहां से निकल जाएंगे। चलो तो देखियो मेरी ले लियो, मैं किसी से कहूंगा भी ना भाई साहब, देखियो मुझे छोड़ दो। ये कुछ ना कुछ तो है, बहुत बड़ी गलती हुई है हम यहाँ पर आए, बहुत बड़ी गलती। काश यार मैं विट्ठल भाई के साथ काम ही ना करता तो इस ट्रिप पे भी ना आता तो अच्छा रहता। काश मैं पैदा ही ना हुआ होता तो बचा का बचा रहता। कुछ राज तो है इस निशान के पीछे जिससे अभी हम अनजान हैं। तुम हमारे ग्रुप का आदमी हो। तुम्हारा ग्रुप मतलब? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ये देखो ये निशान तुम्हारे भी है। जिस जंगल में तुम घूम रहे हो ना वो शैतान का जंगल है, और जो इस जंगल में एक बार आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। जितने भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनमें से सबको शैतान मार देता है, सिर्फ एक को चुनता है। इस बार तुम्हें चुना है शैतान ने अपने लिए। पर मुझे ही क्यों? जंगल में तो हम 4-5 लोग आए थे, उनमें से क्यों नहीं चुना किसी को? क्योंकि तुझमें दर्द सहने की क्षमता है, इसलिए तुझे शैतान ने चुना है। अबे ओ ऐसे वैसे काम ना करता हूँ मैं, हट। ऐसा वैसा कुछ नहीं, अब तू भी इस जंगल में ही रहेगा, और तूने अगर भागने की कोशिश की तो तू भी इनके साथ मारा जाएगा। इससे अच्छा है तू शैतान की गुलामी कर, तभी तू हमारी तरह जिंदा रह पाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन। काश हमारे फोन हमारे पास होते तो कम से कम मैं घर कॉल करके बड़े भैया से और पापा से बता देता, वो मुझे बचाने आ जाते। लेकिन ये मादर चोस साला सुअर, तुझसे मैंने फोन फेंकने को कही, तूने फोन फेंक दिया। मैं तेरा बाप लगता हूँ जो तूने मेरी बात मानी? बोले तू ही तो एक नंबर का गांड हुए, शुरू से ही कह रही है ट्रिप पे जाना ट्रिप पे जाना। अबे ट्रिप पे जाना है तो ये तो ठीक है, फोन कौन नहीं लेके जाता है? साले तूने मेरा फोन बेचा ये तो ठीक था, इसका फिकवा दिया अपना गाड़ी में रख आया साले जानवर। ये मरवागा साला हमें देख लिए तू। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ अच्छे काम किए हो तो याद कर लो, बाकी मौत तो खड़ी है हमारे सामने। अच्छे काम तो यार मैंने फिर भी किए हैं। एक बार चच्चा चच्ची की हमारी लड़ाई हो रही थी तो चच्चा बोले चच्ची से साली गर्दन काट दूंगा अगर चाकू हाथ में हो तो मैं भाग के गया, चाकू चच्चा को ला के दिया मैंने, हेल्प करी उनकी। साला खानदानी चूतियों का, अबे किचन में जाके खुद लिया दे तेरे चच्चा, तेरी क्यों हेल्प ली? साले का काम घाम है एक काम नेक करा दिया,
अबे तुम पे तो नाला था सालो, एक बार मैंने किया था अच्छा काम, जब बिट्ठल भाई चोरी करने गए थे मुझे लेकर, तो मैंने कोने में खड़े होकर पुलिस वालों को कॉल कर दी थी कि बिट्ठल भाई चोरी कर रहे हैं, और उस केस में बिट्ठल भाई को 5 साल की सजा हो गई और मैं बच गया। क्या है ये? वो यार मेरे ये जूस पीने का टाइम है, मैं भूल जाता हूँ ना अपना जूस पीने का टाइम, तो इसलिए अलार्म लगा के रखा था। चूतिया की चौखट साले, मौत सामने खड़ी है, तू जूस पिएगा? मिल जाएगा क्या जूस यहाँ पे? हाँ आ रहे हैं तेरे फूफा, रुक जा अभी। होटल वाले की बात माननी चाहिए थी, अर्जुन ये क्या कर दिया, सब तेरी वजह से मारे गए। हमारी गांव में जो सुलेमानी किला होता है ना, उसका इस्तेमाल कभी कभी करना चाहिए, हर टाइम नहीं। काश मैं उस होटल वाले की बात मान लेता तो आज मैं भी जिंदा होता और मेरे सभी साथी भी। लेकिन अब क्या है, अब छोड़ो, अब तो छुट गई, खत्म हो गई पिक्चर और क्या। हे गाइस, तो कैसी लगी वीडियो जाके कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं सभी की कमेंट पढ़ूंगा, और लाइक जरूर कर देना, एक लाइक आपका बहुत दिल खुश कर देता है, लाइक जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सभी दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर करो, और जो मैजिक पिन ऐप है इसको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पे अपने बिल अपलोड करो, कॉइंस मिलेंगे और फूड डिलीवरी पे भी आपको काफी ज़रा होप मिलेगा। तो लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो।